का भी आपको सारा डिफरेंट ही कर दिया, 15-15 मार्क्स डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेकंड टर्म में, ठीक है ना। उसमें आपको एक आपकी वाइवा हो गया, फाइज हो गई है, फिटनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ज्यादा उन्होंने यही किया, बाकी उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी का ज्यादा नहीं दिया। अदरवाइज वी आर डूइंग शॉर्ट पुट, लॉन्ग जम्प, 9 एंड 12 मिनट रनिंग, 12 मिनट फॉर बॉयज, 9 मिनट्स फॉर गर्ल्स, एंड मिनिमम राउंड्स वी हैव टू कंप्लीट फॉर 4 राउंड्स, दैट इज 400 मीटर्स, ठीक है। शटल रन कराते थे, फिर हम 100 मीटर कराते थे, पर नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर क्या, अगर वो रूलिंग आती है नेक्स्ट आपको, अदरवाइज प्रैक्टिकल भी मे बी स्कूल को ही वो एडवाइज करते हैं कि आप अपने स्कूल में लो, आपका ऑब्जर्वर आ जाएगा, ये कैसे करते हैं अभी ये भी डिसाइड नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट दे आर टेकिंग द डिसीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द टेस्ट एंड मेजरमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट इन स्पोर्ट्स, क्या रोल होता है टेस्ट का? हाँ जी, इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। और अब तो दो आ गए। यस अभिनव, अभिनव यस बेटा, अभय एंड अभिनव। यस बड़ी देर बाद आवाज आई है। हाँ जी, व्हाट सर, इज, वो चलो चलो ठीक है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर एंटरिंग दिस क्लास, चलो ठीक है। आप बताओ बेटा, क्या क्या हमको बेनिफिट मिलता है टेस्ट से, स्पोर्ट्स में टेस्ट क्या होता है? सर हमारा कॉम्पिटिटिवनेस से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, जिससे हम हार्डवर्क ज्यादा करते हैं, उससे बहुत फायदा होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। ओके ओके गुड। और अपने आप को पुश हार्ड करने की एक एक बेस मिल जाता है टेस्ट से, कि ठीक है, हमने अपने आप से बेटर बनना है। ओके। यस सर, हाँ जी, वो एक इधर आ जाओ, एक इधर, वो दिख ही नहीं रहा, कोई हो गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। टेस्ट टेस्ट का मेन रोल क्या होता है? टेस्ट किसको हम बोलते हैं? टेस्ट इज अ टूल और डिवाइस बाय विच वी एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्सन, सिंपल है, ठीक है। एक आपके डिफरेंट डिवाइस है, आपने टूल्स बनाए हैं, आपने डिफरेंट क्वेश्चन आर्स बनाए हैं, ठीक है। दैट इज डिपेंड अपॉन द आपका ट्रेनिस, आपने क्या टेस्ट करना है उसका, उस हिसाब से आपके डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट किट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिससे हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, सिंपल है। जैसे आपको मैं यस्टरडे आई एम टॉकिंग अबाउट द वन डिवाइस दैट शो योर फॉल्ट टेक्निक्स, ठीक है। ऐसी आपकी एक पर्सनल, जितने भी वर्ल्ड के टॉप के प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, सारे कोचेज उनकी वीडियो बना के रखते हैं अपने पास, ठीक है। फिर वो वीडियोस को वो बार बार देखते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी टेक्निक्स को प्रॉपर फील्ड में, उसकी क्या गलती है उसको एनालाइज करते हैं। तो सिंपल है, टेस्ट का मतलब क्या है कि हमने उसको एनालाइज करना है, प्लेयर्स की वीकनेस को, स्ट्रॉन्गनेस को हमने एनालाइज करना है। और सम टाइम यू हैव सीन, आपने बहुत से वर्ल्ड में ऐसे प्लेयर देखे होंगे जिनका एक्शन बड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल? हम्म,
नो यूनिक जिसको हम बोल सकते हैं, बेटा पहले से नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल होता है, एक हटके चीज, सबसे हटके, यूनिक हो गया। हमने बैट को ऐसे पकड़ रहे हैं, वो बैट को राउंड पकड़ लिया, हम उसको बोलेंगे यू आर होल्डिंग द बैट रॉन्ग, बट वो उसी स्टाइल से आपको परफॉर्म कर रहा है। अब भूमरे का अगर बॉलिंग एक्शन कोई देखता, उसको टीम में रखता कोई, वो व्हेन ही इज अ बिगनर, बट उसने वो स्टार्टिंग में उस एक्शन से इतनी विकेट्स ली है, ठीक है, उसके बाद उसको टीम में रखा तो नाउ इज द वर्ल्ड रैंक, मतलब टॉप पे बॉलर है वर्ल्ड पे, ठीक है। वो क्या है, आपने अपनी जो टेक्निक है, आपने जो अपना स्टाइल है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। एक होती है टेक्निक और स्किल, दैट इज अ फंडामेंटल स्किल ऑफ एनी गेम। आपने किसी गेम को खेलना है तो उसके एक बेसिक रूल है, बेसिक टेक्निक है, बेसिक स्टाइल्स है, आपने उसको वैसे होल्ड करना, वैसे पकड़ना, वैसे फेंकना है। बट सम टाइम क्या होता है, सम प्लेयर्स दे फील कंफर्टेबल इन देयर ओन टेक्निक और स्टाइल, तो वो उसको जब अच्छा लग रहा है, वो बोलता है मैंने ऐसे करके अपनी ये गेम खेलनी है, तो कोचेस भी उसको ज्यादा नहीं छेड़ते। जो अच्छा कोच होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा अगर ये इससे ये उसका अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है तो लेट देम डू, उसको और परफेक्ट करो। और कई क्या करेंगे, आपका बेसिक ठीक नहीं है चेंज करो, आप ना बेसिक्स में आओगे ना अपने में आओगे। बहुत से ऐसे एग्जांपल है कि आपका उन्होंने ग्रिप चेंज कर लिया, आपका स्टांस चेंज कर लिया, तो आप क्या हो गया, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। आपने श्रीकांत को खेलते देखा क्रिकेट, जो अभी ये आपका 2020 चला है ना, जो वर्ल्ड में ये फर्स्ट बॉल से हिट करना, वो टेस्ट मैच में ऐसे ही खेलता था, इज अ मैं आप ये कह लो कि जिसने ये सारा ट्रेंड चेंज किया। इवन इन फर्स्ट बॉल ही हिट द सिक्स, और उसका स्टांस पता कैसे था, ये लेग और बीच में ऐसे बैट, ऐसे करके खेलना ही बड़ा मुश्किल होता है। वो सब बोलते थे ऐसे करके ये ना फ्रंट फुट जा सकते हैं, इफ यू ओपन योर लेग्स स्प्रेड कर दो ज्यादा तो क्या होगा, आपको आगे आने में दिक्कत होगी। वो ऐसे करता था, यहां से ही आ गया, ये फ्रंट फुट हो गया, यहां से खड़े बैठ लेके ये पीछे पैर कर लिया, बैक फुट हो गया। यू अंडरस्टैंड ना, अब मैं ये खड़ा हूं, देखो ये, अब मैंने यहां से बॉल को आगे खेलने जाना तो मैं ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा, अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो मैं सीधा आगे चल जाऊंगा। तो वो क्या करते थे, जनाब यहां से खड़े हुए यहीं से एक यूं लिया स्टेप, आगे से मार दिया। वर्ल्ड में एक आपका फास्ट बॉलर मार्शल होता था वेस्ट इंडीज का, वन ऑफ द, उसका जो बाउंसर था ना, दैट इज मतलब कि उसने अगर आपको बोल दिया ना इसके मैंने बॉडी पे बॉल मारनी, तो आपको बॉडी पे मारेगा। शोएब अख्तर तो दैट इज नॉट ए टोटली कंट्रोल बॉलर, दैट इज ए आप कह लो बड़ा उसका, ये एक बॉल कहाँ आएगी, दूसरी कहाँ जाएगी, तीसरी कहाँ जाएगी, जो उसको आप जज नहीं कर सकते थे, उसको अपने आप नहीं पता था, उसने स्पीड बस उसको कि मैंने पूरी 150 की रफ्तार से बॉल फेंकनी है, वो कहाँ जाए जाए ठीक है, अगर वो सही आ गई तो फिर इट इज अनप्लेबल। बट जो मेलकम मार्शल सी इज अ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर, और जो उसका बाउंसर था दैट इज मतलब सो एक्यूरेट, वो उनका एक बड़ा अच्छा एक ना मतलब उस टाइम जो 80s 90s में खेलते थे बैट्समैन, तो व्हेन दे आर गोइंग फॉर अ बैटिंग, व्हेन दे आर टेकिंग द स्टांस, व्हाइल यू आर टेकिंग द स्टांस, आफ्टर दैट व्हेन देयर इज अ बॉल, फर्स्ट बॉल इज बाउंसर एंड दैट बॉल गोज क्लोज टू योर ईयर आईज नोज हेड और शोल्डर, देन दे केम, तो वो पता क्या बोलते थे बैट्समैन को, आपने बॉल को स्मेल किया कैसे आपको फ्लेवर लगा, कैसी खुशबू है, कि अभी तो आपको मुंह के पास से बॉल गई है, आपको बॉल की खुशबू सुंघाई है, अभी हेलमेट पे आएगी, समझे उस बात को, कि बॉल को आपके फेस के पास से इसलिए लेके गए सो दैट यू स्मेल द बॉल, बॉल की खुशबू देखो कैसी है। वो आधे हेलमेट में ना वो डेंट पड़े होते थे एट दैट टाइम, आधे बैट्समैन पे, दैट टाइम
हेलमेट इज नॉट अ सच ए क्वालिटी, जैसे अभी अब तो आप बुलेट मार लो वो नहीं असर करेगा, ऐसी ऐसी चीजें बन गई है। तो उनके आधों के हेलमेट में चिप पड़े होते थे, बाउंसर आना दूसरा सिर पे, चलो जी सिर पे लग के उधर चल गई, तो आधे आधों के तो हेलमेट ही देखने वाले होते थे और आधी बॉडी के यहाँ पे सारे बॉल पूरे नील पड़े होते थे। तो दे हैव ए सच ए गुड एक्यूरेट स्पीड, और बाउंसर तो उनका देखने लायक होता था। तो ये अपने श्रीकांत जी फर्स्ट बॉल मार्केट की खड़े हैं पहली बॉल पे छे, और उनको अगर कोई सिक्स मार दे ना, उनमें से कई तो ऐसे बॉलर हैं भी जिनको आप सामने कभी सिक्स मार ही नहीं सकते थे, वो आपका एज लग गया, कोई इधर चल गया, वो पीछे छे हो रहे हैं जी इधर दाएं बाएं। दूसरी बॉल उसने फेंकी बाउंड्री, तीसरी बॉल पे वो जो उसका मिडल सिक्स ही वो कोई 10 मीटर पीछे गई होगी, मतलब वो उनमें वो क्लास थी। तो ये जो हमारे बैट्समैन थे श्रीकांत जी, ये ही नेवर वेट फॉर द दैट कि मैं स्टॉप करना, स्टॉप वाला काम ही नहीं होता था, जहां बॉल दिखी है वहीं मारना। ये उस टाइम ट्रेंड शुरू कर दिया था उन्होंने, जस्ट जो अभी हम वनडे ये खेलते हैं ना 2020। तो ही हैज अ सच टेक्निक, अगर आप ब्रायन लारा का कभी देखो, उसका वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ऐसा है जिसने 400+ रन किए, तो उसका स्टांस देखोगे आप दैट इज टोटली ओपन, इज अ लेफ्टी, अदरवाइज वी आर टेकिंग साइड ऑन, साइड ऑन होना चाहिए, बट ही इज ओपन एंड बैक लिफ्ट इज हेयर। सेम चंदर पॉल, उनका एक बैट्समैन था वो तो ऐसे खड़ा होता था, ऐसे लगता था ये बैट्समैन नहीं है बॉलिंग करने आ रहा है, मतलब ऐसे खड़ा है, ऐसे लग रहा है अभी ये भी बॉल करने आ जाएगा, अभी टोटली ओपन। और सबसे डेंजरस होता है इफ यू आर स्टैंडिंग टोटली ओपन, बिकॉज इट इज अ टोटली, हर गेम आपकी जो गेम है ये आपको पता होना चाहिए, साइडवेज गेम है सारी। आपने अगर बॉलिंग करनी है दैट इज साइडवेज, बैटिंग करनी है साइडवेज, थ्रो मारनी है साइडवेज, ठीक है। इससे आपको एक तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, एक एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है। जितने भी बॉलर होते हैं ना, आपने देखना जब वो लास्ट राइड आता है ये होता है, ठीक है। जो आपका इन स्विंगर बॉलर होगा, जो बॉल इन स्विंग करता है वो ऐसे आएगा ओपन, उस बॉलर को आउट स्विंग करने में मुश्किल होगी। जो साइड वे साइड ऑन आएगा, ये बेसिक्स होती हैं आपकी, ये लेग आपकी ये आएगी, ये आम ऐसे, और साइड से आप यहां से देखोगे, इस एक्शन से आप दोनों आउट स्विंग इन स्विंग कर सकते हो, ये बेसिक टेक्निक है आपकी। सेम क्रिकेट में हम ऐसे खड़े होंगे तो इट विल इजियर फॉर ऑफ साइड पे, ऐसे आपने आगे लेग साइड पे, अगर हम ऐसे खड़े हो गए ओपन तो क्या होगा, आप यहाँ कवर ड्राइव स्क्वेयर कट आपको मारने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ से मार ही नहीं सकते हो क्योंकि आप ओपन खड़े हो। अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो यू विल इजली कनेक्ट द बॉल। तो ये टेक्निक्स हैं, बट सम ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं, वो अपनी टेक्निक बना लेते हैं, दे परफेक्ट इन देयर टेक्निक्स। तो हमने टेस्ट क्या किया, हमने टेस्ट में ये देखा कि हमने इसकी अपनी टेक्निक क्या होगी, बेसिक स्किल्स, और स्टाइल क्या होगा, आपने उस टेक्निक को कैसे अडॉप्ट किया है वो आपका स्टाइल हो जाता है, ठीक है। अब आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल में क्या होता है कि आपका जी लेफ्ट और राइट जिसका जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा प्लेयर होता है। कभी भी आप जितने भी टॉप लेवल के फुटबॉलर हो उनको आप देखना, वो कभी भी आपको राइट से नहीं, वो देखेंगे वो लेफ्ट शुरू हो गए, गोल खा लिए लेफ्ट से किक मार देंगे, उनका लेफ्ट राइट दोनों इक्वली चलेगा। अब आप हॉकी में ये नहीं कि सारे ऐसे गोल मारते, अब देखा ये ड्रैग किया, ऐसे मूव किए, गोलकीपर को डिसीव किया और यहां से वो मैक्सिमम गोल ये करते हैं आजकल हॉकी में, ऐसे राउंड द ड्रिबल किया यहीं से वो राउंड अप करके ऐसे घूम जाते हैं ऐसे उल्टा, वो सोचेंगे इधर जा रहा यहीं से वो मारेंगे। दैट शॉट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज द ओपोनेंट्स, गोलकीपर को तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपके डिफेंस में उनको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन यू हैव सीन ड्रैग एंड फ्लिक, ऐसे बॉल को ड्रैग करेंगे, बिल्कुल ड्रैग करते जाएंगे, देन स्कूप इट, जो पेलेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है उनके रिस्ट में इतनी जान चाहिए, उसको आपको ड्रैग करना है, ड्रैग करके आपने देखना कि कहां से आपको एंगल खाली मिल रहा है, और वो इतनी तेज उसको पुश करेंगे उसके बाद कि बॉल आपकी जस्ट लाइक रॉकेट की तरह निकलती है। ड्रैग फ्लिकर आपकी टीम में 2-3 परफेक्ट होते हैं, वो ही मेन होंगे, ये नहीं भी आपका कोई भी आके वो पेलेंटी कॉर्नर ले रहा, दे आर अ पेलेंटी कॉर्नर एक्सपर्ट्स, उनका यही काम होता है। जब पेलेंटी कॉर्नर आपको मिला है, बॉल को रोकी है,
ड्रैग किया, आपने देखा ऐसे ऐसे ले आते हैं, यहां से वापस घूम के मार देंगे, बिल्कुल ऐसे गोल पोस्ट आपका बना ऐसे कॉर्नर पे मारेंगे या पूरा स्कूप मारेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये टेस्ट मेजरमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, जैसे आपको मैंने बोला हॉकी है आपका, फुटबॉल है, जो स्प्रिंटर हैं दे आर वेरी गुड इन 100 मीटर रेस, उनकी जो 100 मीटर रेस होती है वो स्प्रिंटर जितनी होती है, जो अच्छे खासे स्प्रिंटर होते हैं। बॉल को लेके आपने हॉकी में तो कोई ड्रिबल वाला काम ही नहीं है, क्या करते हैं यूरोपियन, हॉकी पकड़ी और भाग रहे हैं, बस वो टच कर रहे हैं भाग रहे हो, तो बस जैसे वो स्प्रिंटर भागते हैं ना वैसे, जब हमारे लोग यहाँ ड्रिबल करके जाते हैं, जो एशियन आपका कल्चर है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन ड्रिबलिंग। तो ये बहुत चीजें आपकी फर्क पड़ गई हर चीज में, फुटबॉल का देख लो क्या कंट्रोल है उनका बॉल पे। इंडिया का वर्ल्ड में कितना रैंक है पता है, फुटबॉल में किस रैंक में आता है इंडिया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन सी गेम खेली जाती है? नहीं नहीं विच गेम इज द मोस्ट, फुटबॉल वर्ल्ड में जो हर कंट्री जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो है फुटबॉल का, और आप हैरान हो गए कि इंडिया 100 के बाद आता है नंबर। आप ये देख लो भी कितना यहाँ पे खेलते हैं करते हैं, और रोज इतनी छोटी छोटी सी कंट्री है वहां पे, तो वो जो गिफ्ट देंगे मेक्सिको हो गया आपका, इंग्लैंड वगैरह, वो बच्चों को बर्थडे पे फुटबॉल देते हैं। फुटबॉल का यहाँ से इतना एक्सपोर्ट है यहाँ पे, जो आपके दो तीन यहाँ पे बहुत अच्छी फैक्ट्रीज हैं फुटबॉल की, उनका एक भी फुटबॉल इंडिया पे नहीं बिकता, टोटली एक्सपोर्ट, और वो ऑन डिमांड रहता है, वो पूरा ही नहीं होता है वहां पे, फुटबॉल का इतना क्रेज है आप देख लो। हमारे यहाँ करते हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत अच्छे क्लब बने, लीग चल रही हैं, बट नॉट मतलब वो लेवल तक नहीं जा रहे हैं। जूनियर बच्चों ने काफी अच्छा किया था लास्ट टाइम, बट स्टिल मतलब बहुत पीछे। बाकी आप गेम में जैसे हम रेसलिंग है, बॉक्सिंग में वर्ल्ड क्लास आपके आ रहे हैं, बैडमिंटन में गर्ल्स बहुत डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड में, ये कुछ एक गेम्स है जहाँ पे आपका मतलब वर्ल्ड में थोड़ा सा हुआ है। शूटिंग में बड़े अच्छे हैं, फिर आर्चरी में अच्छे हैं, हॉकी वालों ने बड़े साल बाद किया है, बट इन फ्यू गेम जैसे आप ले लो बास्केटबॉल होगी, बहुत मतलब कहीं है ही नहीं। अभी टेबल टेनिस में 2 बच्चों ने लिया, एशियन मोनिका बत्रा लेके आई मेडल, फिर आपका 2 बच्चे और है जो थोड़ा सा किया है अभी, वो देखो एक कल वो फाइनल में पहुंच गया शरद कमल के साथ शुभेंद्रो घोष, वो 4 साल किसी केस में बाबूजी अंदर ही रहे, कोई सजा होगी थी जो भी, उसका कैरियर खत्म, एंड ही स्टार्टेड हिज गेम, और एवरी ईयर क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल एंड दिस ईयर ही इज प्लेइंग फाइनल टेबल टेनिस में। ऐसा है वो फैटी हो गया है एक्चुअली, कोई उसका कोई हो गया था तो उसमें उसको काफी पुलिस ये वो शायद में भी सजा हुई या जो भी हुआ है, और वो देखो आगे डे बाय हर साल वो अपना क्वार्टर खेलना बड़ा मुश्किल होता है मेंस में, अगर आप छोड़ दो 4 साल गेम क्वार्टर सेमी, और वो कल उसने वो सबको हरा दिया वहां पे, और अभी वो फिटनेस उतनी नहीं है उसकी, मतलब आगे से थोड़ा मोटा हो गया, बट गेम देखने लायक है आज फिर वो शरद कमल को हरा दिया था, 2-0 डाउन था, देन 3-all, फिर वो लड़का दूसरा 10-8, उसके बाद इसने 2 पॉइंट लेके कर दिया, वो एक्सपीरियंस है एंड ही इज अ 40+, मैं तो उसकी एज देख के हैरान, 40+ है वो शरद कमल, एंड ही इज अ नेवर इन हिज लाइफ जूनियर चैंपियन, कोई जूनियर टाइटल नहीं जीता उसने, जैसे होता है ना अपकमिंग बच्चा ये बहुत अच्छा है जी, ये अंडर 19 का हमारा वो है, नो वो सीनियर लेवल पे आके वहीं से उसने आपको किया, और वो देखो अभी कितने सालों से अनबीटन है। ये शुभेंदु घोष जो है ये उसका वो पहले होता था नेशनल चैंपियन, अब पता नहीं हो गया होगा मैच तो उनका सुबह आज होना था मैच नेशनल रैंकिंग नॉर्थ जोन, अभी चीफ गेस्ट वगैरह ने आना था। तो मतलब कहने का है को जब आप जैसे आप स्विमिंग आपको आती है, आपको स्विमिंग आती है, आपको 10 साल के बाद पानी में डाल दोगे ना तो आप बाहर आ जाओगे। आपको साइकिल एक बार चलानी आ गई है, एक बार सीख लिए तो ये नहीं है कल को आप भूल जाओगे।
जो बॉडी की मूवमेंट आपकी बनी होती है ना, कई साल से आप खेल रहे हो, नो डाउट अगर आप उसको छोड़ देते हो तो हाँ वो परफेक्शन नहीं आएगी, बट इफ यू डू रेगुलर आप वहां अपनी जल्दी पिक कर लोगे आप वो चीज, क्योंकि आपने उस लेवल तक गए हो आप, ठीक है। तो वही चीजें उनमें होती है। आप कभी इनको देखो जो टॉप क्लास के जो रिटायर हो गए हैं या जो ओल्ड एज में खेल रहे हैं या कई वेटरन खेलते हैं, उन्होंने अपना सिस्टम वैसे ही रखा है। उनको आप देखोगे खेलते हुए अपनी फिटनेस वगैरह स्टिल, मतलब आपको उसी उसमें मिलेंगे, सेम प्रोफेशन में सेम स्किल में। हाँ आपका जरा मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, एज के हिसाब से सबकी होती है, बट वो कईयों का तो आप देखोगे रिदम खेलने का, उनमें एक एंथुजियाज्म और एक इंटरेस्ट बहुत होता है। तो हमने टेस्ट और मेजरमेंट क्या, मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट आपने करनी है उसका एनालाइज किया आपने सारी चीजों का, क्या कमी थी, क्या चीजें अच्छी है, क्या उसका आपने रिकॉर्ड रखा है, उससे आपको, इससे सबसे मेन आपको क्या होता है, आपको सिलेक्शन में बहुत फायदा मिलता है। ये जब आप टेस्ट करते हो किसी को, उसको उसके मेजरमेंट लेते हो, उसको इवेल्युएट करते हो, तो सबसे मेन हमको क्या फायदा मिलता है, हमको आगे सिलेक्शन में बहुत फायदा मिलता है। हमको उस बच्चे का पूरा पता लग जाता है, उसके रिजल्ट देख के ये कहाँ स्टैंड करता है। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन अ सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेयर, और प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा ये क्या होता है, उसको अपना पता लग जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। उसको एनालाइज करके जब आपको डाटा दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस ये, आप पिछले साल से ये कर रहे हो, अब आप देखते हो ना क्रिकेट आता है करंट ईयर हाईएस्ट स्कोरर, उधर आ जाएगा जी हाँ जी हाईएस्ट सिक्स, वो जितने यंगस्टर देखो आप, अभी दोनों वार्म अप मैच जीत गया इंडिया, देखा ना, उधर रोहित ने उधर मार दिया, उधर ऋषभ पंत, उधर मतलब जो आ रहा है जैसे वो खेल रहे हैं वहां पे, जो इंडिया की बैटिंग लाइन जैसे चल रही है और बॉलर भी हाँ वही है ना। और वो देखो जितने यंगस्टर है वो एक भी अपना एक भी चांस मिस नहीं कर रहे, जिसको जहां पे मौका मिल रहा खेलने का, एंड दे आर प्लेइंग जस्ट लाइक दे आर प्लेइंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, दे हैव सच अ कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि आगे डर के खेल रहे हैं कि हमारा आउट हो जाएंगे, हमको बाहर निकाल दें, नो। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल, दैट इज द टैलेंट ऑफ सच ए पर्सन। आपको पता होता है, वो एनालाइज कर देते हैं पहले ही, इसने इतनी विकेट ले ली है, ये स्लोअर रन पे बहुत इफेक्टिव है, और सारे स्टैटिस्टिशियन सारा डेटा दे देते हैं आपको, इसका ये बॉल बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो सारा टेस्ट करके कोचिज भी करते हैं, ओपोनेंट वाले भी देखते हैं कि ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये इसका वीक पॉइंट है। बट सम टाइम क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ही आपको कई बार आउट करा देता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और लोग उनके वीक पॉइंट में जाते हैं, तो वो वीक वाला पॉइंट उस दिन वो बहुत कोई अच्छा खेल लिया, वहीं से रन कर लेता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, समटाइम बैट्समैन क्या करते हैं ना, ऐसे स्टंप्स खड़े लेग स्टिक छोड़ के थोड़ा अंदर खड़े हो गए, बॉलर क्या बोलता है, लेग स्टिक पे बॉल कराओ जी, इसको आउट कराओ, बट दे हैव ए वेरी गुड इनिशियल स्टांस और उनका ऑन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आपने कोहली को देखा होगा, इनिशियली वो क्या करता है, ये इनिशियली क्या करता है, वो ऑफ साइड पे शफल कर जाता है, ठीक है, फिर वो यहां से, और जब वो सेट हो गया फिर उसने ऑफ साइड की बॉल भी, then it is quite difficult for the captain, for the bowler, कि ऑफ साइड पे मैं बॉल फेंक रहा हूँ, मैंने फील्डर यहाँ लगाया है, यहाँ पे फील्डर नहीं लिए, वो यहाँ से आता है, है? डी विलियर्स का तो पता नहीं ना कहाँ, उसका तो आप छोड़ दो ना, उसको तो फील्डर बस खड़े कर दो भी, उसका नहीं पता कहाँ मारना, दैट इज अ मतलब वो इम्प्रोवाइजेशन तो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो उसका इम्प्रोवाइजेशन है उसको हम इम्प्रोवाइजेशन है? KL राउंड, दैट इज दैट प्लेयर इज अ स्ट्रेट बैट, वो बॉल की मेरिट पे खेलता है, वो पूरी देखना उसकी जो 25-30 रन है ये वी शेप में होगा, ये उसके बाद फिर वो अपना जैसे मर्जी मारो, बट जो बेसिक्स होते हैं आपका, दैट ऑलवेज यू हैव टू प्ले विद द स्ट्रेट बैट, ठीक है। वी शेप में अगर आप खेल रहे हो, बॉल को मिडल हो रही है, अब ये अपना कोहली आउट कैसे होता है LBW, जब ये अक्रॉस द लाइन खेलता है स्टार्टिंग में, जब सेट नहीं होता बैट्समैन, जब सेट हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो इधर की उधर मार दो, उधर की इधर मार दो। पर ये जो डी विलियर है आपका, ये चार पांच जो ऐसे प्लेयर है, इनका तो फर्स्ट बॉल का नहीं पता होता। मैक्सवेल भी ऐसे ही है, चंगी वाली बॉल को मार देगा, हाँ वो इस एक 5-7 है ही ऐसे, इनका ये कोई पता नहीं है इन्होंने क्या करना है और किस बॉल पे आउट हो जाना है।
ठीक है, तो वो उनकी एक इम्प्रोवाइजेशन है। अब आगे हम बोलते थे बॉल ऐसी, अब स्कूप करना शुरू कर दिया, वो भी फास्ट बॉलर को, आते हैं यहां से इतनी 140-145 की स्पीड से बॉल आ रही है एंड यू आर स्कूपिंग दैट बॉल। तो आप ये देखो कितनी अच्छी टाइमिंग है, कितनी अच्छी आपका आई साइड है, विजन है, उस पर जज करने कितना जल्दी कर रहे हो। 140 से ऊपर वाली बॉल को खेलना बड़ा मुश्किल होता है, और वो 140-140+ वाले हैं, उनको कर रहे हैं स्कूप, पीछे बॉल मार रहे हैं, बट टच किया, बाउंसर मारते हैं ऐसे अपर कट। ये नया टेक्निक बन गई है अपर कट, अदरवाइज वी आर लीविंग दिस बॉल, बट नाउ अ डेज वो क्या करते हैं, बॉडी पीछे ऐसे बैंड हुए, यहां से ऐसे अपर कट, स्पीड से वो टच होगी बाहर, ठीक है। तो ये चीजें हमको टेस्ट करके, सारा कुछ करके, जब हमने, आपने फुटबॉल में देखा, हॉकी में वो बैठे होते हैं ऐसे लैपटॉप लेके, वहां पे क्या होता है, आपने डिफेंडर कितने रखे हैं, 4-3 से खेल रहे हो, 3-3 से खेल रहे हो, वहां वो सारा चेंज करते रहते हैं, ओपोनेंट देखेंगे आपने चेंज कर दिया, आपका आप लीड कर रहे हो, आपने एक आदमी पीछे डिफेंस पे लेके आ गए, उनको क्या बोला है, बॉल को क्लियर करो, आगे अपना सेव करो, अटैक पे बंदे रखो, बट पीछे से बॉल को नो ड्रिवल नथिंग, यू हैव टू जस्ट पास द बॉल टू फॉरवर्ड, क्लियर करना है बॉल को फटाफट। अब बास्केटबॉल में आपने देखना, वहां क्या होता है, जब आपका सबसे जो विसल वाली गेम होती है ना, एक ध्यान रखना, जहां पे विसलिंग होती है वहां पे आपके रेफरी के पास सब कुछ है, आप दोनों का मैच चल रहा है, ठीक है, लास्ट आपके पॉइंट चल रहे हैं, और बास्केटबॉल में मोस्टली क्या होता है, इक्वल स्कोर चलते हैं, 2-4, 2-4 का चलता है, जो अच्छी टीमें होती है, एक पर्सनल फाउल आपने दे दिया किसी टीम का, काम खत्म, ठीक है। वहां पे वो विसल पे सारा काम है, खो खो होगी है वहां पे, यही काम है, विसलिंग पे सारी गेम है, आप कभी भी किसी भी टीम को इधर उधर कर सकते हो, इफ यू आर अ स्मार्ट रेफरी। ये वहां पे मतलब इतना वो होता है कि एक एक सेकंड का आपको बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, एक फ्री थ्रो मिल गया आपको, एक चांस मिल गया, एक आपने पर्सनल फाउल कर दिया आपको, कोई फ्री थ्रो मिल गए, सेम इन द खो खो। तो ये विसल वाली गेम में रेफरीज के हाथ में बहुत ज्यादा होता है। क्रिकेट में तो आपको वहां पे, मेरे ख्याल दुबई में 100-100 कैमरे लगे हुए थे, वहां तो सब कैमरा आपका इवन लिप्स को रीड कर रहा है, आपने थर्ड एम्पायर को दे दिया वो आपको डिसीजन दे रहा है। अब हॉकी में भी, फुटबॉल में, इसीलिए उन्होंने शुरू कर दिया, मैराडोना ने आपको पता है हैंड से गोल कर दिया था वर्ल्ड में, हैंड से, वो किसी को नहीं पता लगा।